हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास 9th के हिस्ट्री बुक के पांचवा चैप्टर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोग के सामने आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर में हम लोग घुमंतू चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहे की किसी टोली के पास भेड़ बकरिया का रेवड़ा या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। हम लोग देखते हैं या कभी इसके बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के क्या साधन हैं और उनका अतीत क्या है? चरवाहे की इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिल पाती है। जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही हमें पढ़ने को मिलता है। परंतु इन घुमंतू के बारे में हमें बहुत ही कम, लगभग न के बराबर पढ़ने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग अफ्रीका के चरवाहे तथा भारत के चरवाहे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका पहला टॉपिक पेस्टोरल नोमेड्स एंड देयर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपनी मवेशियों के लिए चारगाहे की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी, तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। जाड़ों में निचली इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बनती थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते थे गर्मियों में चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ रहते थे। वे पीर पंजाल के दर्रे को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़े वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियां पर बर्फ जमने लगती, तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले आते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतराव चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौर और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते, तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ी में स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौल और स्पोसिस के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाह में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाह की तरफ रवाना हो जाते थे। आइए दोस्तों, अब जरा और पूर्व की तरफ हम लोग देखते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों से आए थे और बाद में यहीं बस गए थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहते का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाह समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के
भेटिया, शेरपा और किन्नौर समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चरागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरागाह की तरफ चल जाते थे। इस आवाजाही से चरागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। इसका अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ऑन द प्लेच्यू प्लेन्स एंड डेजर्ट, पठार, मैदान और रेगिस्तान में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। घंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। घंगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत ही कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसे सूखी फसल के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी घंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास घंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाह की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकड़ के इलाकों में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय घंगर कोंकड़ पहुँचते थे उसी समय कोंकड़ के किसान को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। घंगर के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान घंगरों के चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत बहुत ही कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही घंगर कोंकड़ और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गिरी मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ और गणरिया का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों को देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहे एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी में उनका तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि जब बारिश शुरू होती थी तो वे फिर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय को ही रास आ जाता था। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता था। चरवाहे में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरे चीज़ें बेचते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में ही रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था। इन इलाकों में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इनके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजा ये लोग नए चरागाह की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ तबके भेड़ बकरियां भी पालते थे। जैसे कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स,
फिगर 7 में यहाँ ऊँटों का मेला लगा हुआ है। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चरागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही, ये सारे काम करना पड़ता था। आइए अब हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि अंग्रेजी जमाने में चरवाहों का जिंदगी या जीवन किस प्रकार से बदला। फिगर में हम लोग इन सभी फिगर 9-10 में देख सकते हैं फ्रेंड्स, भेड़ों को चराते हुए कुछ किसान। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।